हेलो एंड वेलकम टू एनी वन कैन कुक विद मी डॉक्टर अलीशा। आज हम एक स्टार्टर बनाएंगे जिसमें हमने पनीर की सॉफ्टनेस को पापड़ के क्रंच के साथ कंबाइन किया है। तो इस पनीर पापड़ कबाब को बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, कैशूनट्स, रेजिन्स, क्रश्ड पापड़, क्रीम और चाट मसाला। सबसे पहले हम पनीर के लिए फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ काजू, बारीक कटी किशमिश और साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एंड में अब हम थोड़ा ग्रेट किया हुआ पनीर भी इसमें ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से फाइनली चॉप करना है। अब इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं चाट मसाला। मैंने यहाँ 1 टीस्पून चाट मसाला यूज़ किया है, आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने के लिए यहाँ यूज़ करेंगे क्रीम। मैंने यहाँ क्रीम यूज़ की है, अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप चाहें तो मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हम इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम एक दूसरे बोल में पनीर को डिप करने के लिए मैदे का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी। पानी आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें ताकि मैदे में लम्स ना बने। इस मैदे की स्लरी को हमें ऑलमोस्ट इतना थिन रखना है। पनीर पापड़ी कबाब बनाने के लिए अब हम पनीर का एक क्यूब लेंगे और उसे सेंटर से स्लिट करेंगे। ध्यान रखें कि हमें इसे पूरा एंड तक कट नहीं करना है, ऑलमोस्ट 1/4 पोर्शन हम रख लेंगे ताकि ये एक पॉकेट की फॉर्म में बन जाए। अब हम इसमें अपनी फिलिंग फिल करेंगे। फिलिंग को हम चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और एंड में थोड़ा हल्के हाथों से इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लैट हो जाए। इसी तरह से हम अपने बाकी के पनीर के क्यूब्स को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इन सब तैयार पनीर के क्यूब्स को एक एक करके सबसे पहले मैदे के बैटर में डिप करेंगे। और अब हम इसे फाइनली पापड़ के साथ कोट करेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने उड़द दाल पापड़ को ग्राइंडर में रफली ग्राइंड कर लिया है। आप इसे अच्छे से कोट कर लीजिए, मेक श्योर कि ये चारों तरफ से इवनली कोट हो। तो हमारे एक पनीर पापड़ी तैयार हो चुका है, अब हम इसी तरह से बाकी को भी तैयार कर लेंगे। अब हम मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें डीप फ्राई करेंगे। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि पापड़ अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो इन कबाब्स को पहले भी बनाकर रख सकते हैं और फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए तो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अगर आप इसे डीप फ्राई ना करना चाहें तो आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। उसके लिए हम इसे फ्रायर में रखेंगे और थोड़ा ऑयल के साथ इसे ब्रश करेंगे और फिर इसे तकरीबन 200 डिग्री पर 8 से 9 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हमारे पनीर पापड़ी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर और मुझे बताइए कि ये आपको कैसे लगे और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स।